आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इसमें बनाएंगे आज हम लोग मालपुए। और किचन में मालपुए बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कटोरी मैदा, उसमें डालेंगे गरी चीनी और इसे पीस करके क्या करते हैं इलायची डालेंगे। और इसके बाद इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसको थोड़ा सा गाढ़ा आप एक पेस्ट बना लेंगे। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा दूध डाल के इसके मतलब इतना डालेंगे कि एक अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए। और फिर इसके बाद इसे आधा घंटा या 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और इसको छोड़ देने के बाद हमें इसको भूल ही जाने के हमने कुछ रखा है बनाने के लिए। और अगर ऐसे करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से फूलेगा और ज़्यादा तेल नहीं घसीटेगा। फ्राई करने वाला ना अगर इस तरीके से बनाओ तो काफ़ी तेल ले लेता है अगर तुरंत इसे बना दो, और अगर थोड़ी देर के लिए रख दो तो वो थोड़ा बहुत तेल कम ही लेता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आज के दिन ना हम लोगों ने काफ़ी कुछ बनाया था। अरे देखिए इसको हम लोग 3 घंटे के लिए तो आराम से रख के चाहे तो भूल जाओ चाहे तो सो जाओ। और 3 घंटे बाद देखिए इसका कितना अच्छा टेक्सचर हो चुका है। अब ये तैयार हो गया तो उसके लिए हम पहले पैन चढ़ा देंगे और इसे अच्छे से गर्म होने के बाद ही इसे पहले अच्छे से फेंट लेना है एक बार, और फिर इसका ये जो है ना बैटर इसे फ्राई करेंगे हम। और हाँ ये बात याद रखें कि फ्लेम हमेशा हाई है, और ऐसे करने से ना पुआ हमारा फूल जाता है। और पता है थोड़ी गहरी कढ़ाई लीजिए क्योंकि इस तरह की कढ़ाई में नहीं फूलता जिसमें मैंने की थी। मैं भी आपको गहरी कढ़ाई में करके दिखाऊंगी। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी थोड़ी गहरी कढ़ाई लो, तो मम्मी ने थोड़ी सी गहरी वाली कढ़ाई ली। वैसे इसमें भी बहुत अच्छे से बन रहा था, पर हाँ ये था कि हमें फुलाना था और ये फूल नहीं रहा था, इसके लिए हमने कढ़ाई चेंज करी। और आप लोग शुरुआत से ये बात याद रखिएगा कढ़ाई थोड़ी गहरी वाली लीजिएगा जिससे इसे फूलने में आसानी हो। फूले फूले वाले अच्छे लगते हैं, टेस्ट में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा रहता है। पर हाँ थोड़ा फूला फूला चाहिए तो फिर थोड़ी गहरी कढ़ाई ही ज़रूरी है। कुछ देर बाद जब ये पक जाता है ना तो ये अपने आप निकल आता है बाहर कढ़ाई से चिपक के। और हमारे मालपुए रेडी हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। उसके बाद देखिए मम्मी ने कढ़ाई बदल करके ये लोहे वाली कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर गहराई ज़्यादा है और ये इसी वजह से ये देखिएगा फूलेगा कितना ज़्यादा। इसको मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि देखिए कैसे फूल रहा है। हाँ और मम्मी ने टेस्ट करने को दिया, देखिए कैसे जानवरों जैसे खा रही है। ये मम्मी ने डाला इसे और अब देखिएगा इसको जब ऐसे ऐसे ऊपर से थोड़ा सा ऑयल देगी तो ये कितना ज़्यादा फूल जाएगा। ये देखिए कितना ज़्यादा फूल चुका है। और डाला था हमने पतला ही, और ये देखिए ये वाला भी बहुत ज़्यादा फूला है और वो वाला भी एकदम फूला फूला ही बना है। हाँ पर इसके लिए ना 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है,
और ऐसे करने से देखिए एकदम फूले फूले हमारे मालपुए बनके तैयार हो जाएंगे। ये मालपुए होली में भी बनते हैं और कई इसमें बनते हैं, वैसे इसमें तो नहीं बनता है, पर मन किया तो उसमें क्या है, कोई फेस्टिवल देखने की ज़रूरत थोड़ी नहीं है। ये देखिए गोल 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 कितना अच्छा हो चुका है। अब ऐसे ही सारे कर लेने हैं और ये रेडी हो जाएगा। अगर हाँ कुछ कमेंट करना रहा करे तो कमेंट बॉक्स इस ब्लॉग में ऑन ही रहता है, हमेशा हमारे सारे बॉक्स में कमेंट बॉक्स बिल्कुल ऑन है, तो जैसे भी जो भी कमेंट करने हो वो कमेंट बॉक्स में करिए। और जो क्वेश्चन हो वो भी कमेंट बॉक्स आप इजीली पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देंगे। और हमारे मालपुए तैयार हो गए और ये मम्मी मुझे भी मालपुए दे रही है। मम्मी से क्या तो कि पापा ने बोल दिया था कि मम्मी वही के ऊपर हंस रही थी, देखिए आज मैंने ना इसमें चाय बनाई थी मिट्टी के बर्तन में, कितनी टेस्टी चाय बनी और मैंने मम्मी को भी दी, मम्मी को भी चाय बहुत ही अच्छी लगी और पापा को भी चाय, चाय तो मेरे पापा की जान है, पापा को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ ज़्यादा, पर हाँ चाय मैंने बनाई थी इसलिए चाय मैंने भी टेस्ट की और अलग तरीके से बनाई थी, इसलिए क्यों ही ना करें। और ये शाम के टाइम पता है आज ना लोहड़ी थी, तो लोहड़ी में हमारा ऑयली क्या यूपी में ऑयली ये सब बनता ही है, पकौड़ी मंगौड़े ब्रेड पकौड़ा और अलग अलग तरह की पकौड़ी बनती है, तो ये पता है ये रखा था तो मम्मी ने इसे बना दिया शाम टाइम में, बना दिया टी टाइम में, और इसके बाद ये चटनी के साथ हम लोगों ने खाया। और ये यहाँ पे आँख निकाल रही है कि कब बनेगा, जो मैं कैमरा चला रही थी तो आँख निकाल के देख रही है। यहाँ पे मम्मी चटनी तैयार कर रही है मंगौड़े के साथ खाने के लिए। और शाम को फिर हम लोग गए थे थोड़ा सा मार्केट से कुछ सामान लेना था, और रात को आने के बाद ये बनी सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी थी, इसकी रेसिपी आपको कमेंट में बताइएगा तो हम ज़रूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।